था। मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको हठ योग के कुछ प्रमुख आसनों के बारे में जानकारी दी थी। इनमें जो प्रमुख आसन थे, सूर्य नमस्कार, जानुशीरासन, पश्चिमोत्तनासन, कटिचक्रासन, योग मुद्रा, गोमुख आसन, अर्धमस्तिष्कासन और मंडूक आसन प्रमुख थे। आज मैं आपको कुछ और आसनों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और यदि हम निरंतर इनका अभ्यास करेंगे तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। बहुत तरह तरह के जो रोग हैं छोटे मोटे, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा शुगर कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, नींद में कोई समस्या नहीं रहेगी, थायराइड वगैरह जो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं ये सब संतुलित अवस्था में रहेंगे और वात पित्त कफ जो आयुर्वेद में समस्त रोगों के कारण हैं उनमें एक बैलेंस बना रहेगा। इनसे हमें किसी भी प्रकार के वात रोग वगैरह नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बालासन में लेट जाएंगे। और इसके पश्चात अब हम कोहनियों की सहायता से कमल बनाकर अपनी दोनों टांगों को बारी बारी से मोड़ेंगे। ये बहुत ही साधारण आसन है, बड़े आराम से सभी लोग, बच्चे, नौजवान, सीनियर सिटीजन को कर सकते हैं और ये हमारे टांगों के लिए, घुटनों के लिए एक बहुत ही लाभदायक आसन है। तो इस प्रकार हम अपनी टांगों को मोड़ेंगे, उसके बाद दोनों टांगों को मिला लेंगे और मिलाकर मोड़ेंगे 15 से 20 बार। और इसके पश्चात हम फिर एक बार बालासन की मुद्रा में लेट जाएंगे। इसके बाद अब हम एक और महत्वपूर्ण आसन करेंगे, भुजंगासन। भुजंगासन का पहला पोज, गहरा सांस लेके हम धड़ को उठाएंगे, कुछ देर रुकेंगे। वापस फिर गहरा सांस, वापस। भुजंगासन का दूसरा पोज, दाएं बाएं देखेंगे, वापिस। वापिस भुजंगासन का तीसरा पोज, हथेलियों को हम धड़ को उठाएंगे और हथेलियों को भी जमीन के समानांतर रखेंगे। गहरा सांस, फिर गहरा सांस, विश्राम, फिर बालासन की मुद्रा में लेट जाएंगे। और इसके पश्चात अब दोनों हथेलियों को दोनों जंगाओं के नीचे ले जाकर शलभ आसन का अभ्यास करेंगे।
और फिर दोनों पैरों को उठाएंगे विश्राम। इसके पश्चात अब हम सर्पासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़कर सर्पासन का अभ्यास करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार 1 से 2 मिनट के लिए आप सर्पासन का अभ्यास कर सकते हैं। पूरे शरीर की इसमें एक्सरसाइज होती है और ये बहुत ही लाभदायक आसन है। इसके बाद हम विश्राम की मुद्रा में लेट जाएंगे और दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़कर धनुरासन का अभ्यास करेंगे। विश्राम। तो ये जो मैंने आज आपको अभी कुछ आसनों को लेट कर जो हमारे आसन हैं, जैसे भुजंग आसन है, इसके पश्चात सर्पासन है और धनुरासन है, ये हमारे पूरे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव पैदा करते हैं और इससे हमको बहुत लाभ होता है। अब हम एक बार कुछ आसन ऐसे हैं जो हम लेट कर करेंगे। शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे, हथेलियां जमीन की ओर, और हम अपने दोनों पैरों को गोल चक्कर में घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। शून्य जितनी भी बड़ा से बड़ा शून्य बना सके उतना ही लाभ है इसमें। अब दूसरे पैर को घुमाइए, दूसरी डायरेक्शन में, और विश्राम। इसके पश्चात हम अपने दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और ऊपर नीचे चलाएंगे, थोड़ा धड़ भी उठाएंगे। तो घुटनों के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। 25 से 30 बार हम अपने घुटनों को जैसे हैंड पाइप चलाया करते थे पहले, ऐसे ऊपर नीचे चलाएंगे। ये घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। यदि हम इस आसन का लगातार अभ्यास करेंगे तो घुटनों की कोई भी समस्या हमें नहीं होगी। 25 से 30 बार हम ऊपर नीचे चलाएंगे, इसके बाद दूसरे घुटने से पूरा धड़ भी ऊपर उठा रहेगा, हाथों से क्लिप बना लेंगे और घुटनों को हैंड पाइप की तरह ऊपर नीचे चलाएंगे। इसके बाद हम दोनों हाथों को खींच कर पीछे ले जाएंगे, दाहिना हाथ आगे बाएं पैर के समानांतर, थोड़ा धड़ भी उठा रहेगा, दूसरा हाथ भी उठा रहेगा और थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। दाहिना हाथ और बायां पैर समानांतर,
इसके पश्चात बायां हाथ दायां पैर समानांतर, कुछ देर रुकिए, उसके बाद दोनों हाथ दोनों पैर समानांतर, कुछ देर रुक जाइए, विश्राम। इसके पश्चात अब हम एक और महत्वपूर्ण आसन करेंगे जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। जैसा इस आसन का नाम है, वायु विकारों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इसमें हम अपने दोनों घुटनों को बारी बारी से एक एक कर मोड़ेंगे, क्लिप बनाएंगे और गहरा सांस लेकर तीन बार नाक और माथे को घुटनों से लगाएंगे। घुटने को मोड़ लीजिए, दाहिने घुटने को क्लिप बनाइए और गहरा सांस लेकर नाक और माथे को तीन बार घुटनों से लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी समय के लिए, 30 सेकंड के लिए हम रुकेंगे। गहरा सांस, वापस, फिर गहरा सांस, वापस, फिर गहरा सांस, वापस। फिर दूसरे घुटने से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। वापस, फिर गहरा सांस, वापस, फिर गहरा सांस। और विश्राम की मुद्रा में लेट जाएंगे। जितनी भी हमें बीमारियां हैं उनमें जो एक तिहाई बीमारी है वो वायु के विकार की वजह से होती है। जब हमारी वायु कुपित हो जाती है शरीर के अंदर, तो नाना प्रकार के रोग, जैसे सिर दर्द है, जोड़ों की हड्डियों के जोड़ों के दर्द है, घुटने का दर्द है, कंधे का दर्द है, पेट का दर्द है, बहुत सारी नाना प्रकार के जो दर्द हैं वो वायु विकारों की वजह से होते हैं। तो यदि हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे नियमित रूप से, तो हमारी जो वायु है वो संतुलित रहेगी और हम इन विकारों से या इन छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके पश्चात अब हम अपने घुटनों को मोड़ेंगे, क्लिप बनाकर दोलन का अभ्यास करेंगे। बहुत सरल आसन है, बच्चे, नौजवान, सीनियर सिटीजन्स भी इसको कर सकते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। आपको मैंने बताया था कि रीढ़ की हड्डी में ही हमारे जितने भी नाड़ियां हैं वो सब रीढ़ की हड्डी में ही है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वज्र नाड़ी है, वज्र नाड़ी के अंदर चित्रा नाड़ी है और चित्रा नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी है। इसी के द्वारा कुंडालिनी जो है वो हम उसको जागृत करके, ये कुंडालिनी का रास्ता है सहस्रार चक्र में जाने के लिए। तो रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखना, मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है और दोलन जो है बहुत सरल आसन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक है। यदि हम ये आसन लगातार करते रहेंगे, 3 महीने, 6 महीने, साल भर लगातार करते रहिए इस आसन को, तो आपको रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। अब हम विश्राम की मुद्रा में लेट जाएंगे और दोनों हाथों को फैला लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़कर मिलाकर मकर आसन का अभ्यास करेंगे। गहरा सांस लेके दोनों घुटनों को एक साथ दाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन बाईं ओर, कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दोनों घुटनों को बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। तो इस प्रकार हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे। आप देखेंगे कि ये पूरे शरीर का व्यायाम है, आसन है,
तो इसको हम बड़ी लगन से और बहुत ही धैर्य से करेंगे। गहरा सांस, वापस आइए, सांस को निकाल दीजिए, फिर गहरा सांस लीजिए, वापिस आइए, सांस को निकाल दीजिए, तीन बार करेंगे, फिर गहरा सांस, वापिस, फिर गहरा सांस, वापिस, फिर गहरा सांस, फिर गहरा सांस, वापस। ये हमने मकर आसन का अभ्यास किया और आपने देखा होगा कि शरीर के सभी अंगों का, हाथों से लेकर पेट तक, हमारी जो हथेलियां हैं, हमारे जो कंधे हैं, एब्डोमिनल रीजन है, घुटने हैं, सभी का आसन है, बहुत लाभदायक आसन है। इससे हमें जो बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे निजात मिलती है, उनसे मुक्ति मिलती है। पैरों को फैला लेंगे विश्राम की मुद्रा और इसके पश्चात अब हम लेटे लेटे पद्मासन लगाएंगे। लेटे लेटे पद्मासन लगाने के बाद दोनों हथेलियां सिर के नीचे, हम मत्स्य आसन की मुद्रा में लेट जाएंगे, आंखें बंद, आराम से लेटे रहिए। ये मत्स्य आसन है और इसका हम लगातार अभ्यास करेंगे तो हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि पूरी आपकी पेट की मांसपेशियों में इसमें खिंचाव हो रहा है, पद्मासन लगने की वजह से पूरे जो पैर हैं, घुटने हैं, जंघाएं हैं, सब में खिंचाव है और ये बहुत ही लाभदायक आसन है। इसको हम 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी धीरे धीरे अभ्यास है इस मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। अब हम आसन खोल देंगे, दोनों हाथ आगे, विश्राम। विश्राम हम बीच में योग में इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो सांसों की गति है वो सामान्य हो जाए। जब भी हम कोई कठिन आसन करते हैं तो सांसों की गति असामान्य हो जाती है, तो उसको सामान्य करने के लिए हम कुछ देर के लिए, के बाद हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है हलासन। लोग इसको धीरे धीरे अपना सावधानी पूर्वक करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, एक साथ पूरा हलासन करने का अभ्यास न करें। अब हम हलासन करेंगे, दोनों पैरों इधर, सर्वांगासन की स्थिति, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने दोनों टांगों को मोड़ेंगे हल्की तरह, दोनों हाथ आगे, हथेलियाँ जमीन की ओर, और जितना झुक सके उतना ही जबरदस्ती बढ़ती है, थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए थोड़ा रुकिए और फिर धीरे धीरे वापस आए, बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे ताकि किसी भी प्रकार का जर्क या झटका वगैरह हमारी पीठ में ना लगे और विश्राम की मुद्रा में लेट जाए। इसके पश्चात हम सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वांग आसन, जैसा कि नाम से ही विदित है, शरीर के पूरे अंगों का आसन है। इसको विपरीत करणी मुद्रा भी बोलते हैं। जो हमारी प्रमुख मुद्राएं हैं, महामुद्रा है, इसी तरह खिचारी मुद्रा है, तीन प्रकार के बंद हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तो ये इसका नाम है विपरीत करणी मुद्रा। और कुंडली जागरण में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हम सर्वांग आसन करेंगे, दोनों पैरों को आसमान की ओर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद
और जितना थोड़ा चाहें अपनी सुविधा के अनुसार, कन्वीनियंस के अनुसार 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट हम रोक सकते हैं। सांसों की गति सामान्य, सर्वांग आसन, इसमें आप देख रहे हैं कि शरीर के पूरे अंगों का आसन है और बहुत ही लाभदायक आसन। इसके पश्चात अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे विश्राम की मुद्रा में और दाहिनी करवट लेकर बैठ जाएंगे। श्रोताओं, आज मैंने आपको कुछ आसनों के बारे में जानकारी दी, तो यदि इन आसनों का और विशेष रूप से जो हमारे सर्पासन है, धनुरासन है, इसके पश्चात मकर आसन है, इसके पश्चात पवन मुक्त आसन है, इसके पश्चात फलासन है और सर्वांग आसन है, इनका यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे रोजाना बिना रुके अबाध गति से, तो हमको बहुत फायदे होंगे। हमारे जो है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि हम आसन क्यों करते हैं। हम आसन इसलिए करते हैं कि अपने शरीर को प्राणायाम के लिए तैयार करते हैं, अपनी जो देह है उसको परिपक्व बनाते हैं प्राणायाम के लिए। यानी पहला स्टेज है आसन करें, आसन से अपनी देह को स्वस्थ बनाएं, परिपक्व बनाएं। योग में जिसको परिपक्व देह कहा गया है, अर्थात ना तो जिसमें अहंकार है, ना जिसमें किसी प्रकार के रोग हैं और ना ही विकृतियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह इन सब से मुक्त है और हमारा जो है मन है एकाग्र है। तो इस प्रकार के ना कोई हमारा दुख है हमें, और ना ही जो है ना है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ये जो देह है, इस प्रकार के देह, उसको योग में परिपक्व देह कहा गया है। तो प्राणायाम के लिए, प्राणायाम करने से पहले अपनी देह को परिपक्व बनाना जरूरी है, और ये जो परिपक्व बनाते हैं हम, इसको योग की अग्नि में आसनों के द्वारा अपने देह को तपाते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, ताकि हमारा शरीर प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाए। श्रोताओं, आप प्राणायाम के ऊपर, हठ योग के ऊपर, तंत्र योग के ऊपर जितनी भी दुर्लभ पुस्तकें पढ़ेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में उन पुस्तकों के बारे में बताया है, तो उन सब का जो सार है, उनका जो निचोड़ है, वो है प्राणायाम। यानी प्राणायाम के द्वारा ही हम कुंडली जागरण की ओर अग्रसित होते हैं, ये उसकी पहली सीढ़ियाँ हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्राणायाम के बारे में जानकारी दूंगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।